थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है शायद भाई, जिस तरह हमने चेस डाउन किया, अगर ये 130 या 131 की जगह 125 या 200 होते तो टीम डिफिकल्टी में आ जाती। आपको लगता है कि थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा पाकिस्तानी टीम के लिए या नहीं होगा, क्योंकि 6 विकेट आपकी गिर गई 130 चेस करते हुए? देखिए वो हो गई ना, आई मीन के वही वाली बात है कि आपकी पहली इनिंग में आपने अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से आप ये मैच जीते हो। तो अगर सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो देखें आपके पास 6 जेन्युइन बैट्समैन हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर तो ये बड़ी फिक्र की बात है। उनमें से हम नहीं चाह रहे कि 6 के 6 ही परफॉर्म करें, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह सऊद शकील और आगा ने बैटिंग की है, इस तरह की परफॉर्मेंसेज हमें और प्लेयरों की तरफ से भी नजर आनी चाहिए। ठीक है 200 ना करें, एटलीस्ट 100 करें, लेकिन ये है कि जो परफॉर्मेंसेज, जो जिम्मेदारियां बैट्समैन के ऊपर है, वो उनमें से जो 6 बैट्समैन है उनमें से एटलीस्ट 2 से ज्यादा 3 बैट्समैनों को अगले मैच में जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनको परफॉर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। एक छोटे ब्रेक पे जाना है शायद भाई, वापस आएंगे तो हम सरफराज अहमद पे डिस्कशन करेंगे, इमर्जिंग एशिया कप में हमारे जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उस पे बात करेंगे। शाहिद आफरीदी हमारे साथ हैं, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ है शाहिद खान आफरीदी। पाकिस्तान की फतह को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान के। पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट 4 विकेटों से जीता है 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट गोल में जो हुआ आज अख्तिताम पजीर हुआ। शाहिद भाई, सरफराज अहमद पे कुछ बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैट्समैन बन गए जिन्होंने 3000 रन स्कोर किए पाकिस्तान के लिए। मैच में अच्छी कीपिंग की, टीम को अच्छा अच्छा पीछे से बूस्ट करते रहे टीम को, क्या कहेंगे सरफराज के बारे में? देखिए एज ए सीनियर प्लेयर सरफराज का रोल हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, और एक काफी सीनियर प्लेयर है, कप्तानी भी कर चुके हैं पाकिस्तान टीम की, चैंपियंस ट्रॉफी भी जैसी ट्रॉफियां जिताई उसकी कैप्टनसी में। रोल उसका जिस तरह और प्लेयरों के रोल इंपॉर्टेंट है, इस तरह सरफराज का नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और कीपर भी है साथ में, फाइटर है, और मैं समझता हूँ कि कीपिंग बहुत अच्छी की है उसने, लेकिन बैटिंग की भी उम्मीद हमें उससे है, इसलिए कि फॉर्म उसकी बड़ी अच्छी लगी थी लास्ट जो टेस्ट सीरीज के लिए, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में वो अपने बैटिंग से भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। ग्रेट। अब थोड़ा अपना फोकस शायद भाई इमर्जिंग एशिया कप की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ पे हम वीकर टीम्स के अगेंस्ट तो हम जीते हैं, लेकिन हम जब हमारा एक पहला तक बड़ा मैच आया इंडिया के अगेंस्ट तो हम फॉल्टर कर गए। हम बहुत बुरे तरीके से 8 विकेटों से हारे हैं इंडिया के अगेंस्ट कल, और हमने देखा कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे शाहनवाज दानी हैं, वसीम जूनियर हैं, बैटिंग में भी साइम अयूब हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू भी किए हुए हैं, चाहे वो T20 में ही सही ODIs भी खेले हुए हैं वसीम जूनियर ने, शाहनवाज धानी भी एक्सपीरियंस है, लेकिन इतनी बड़ी साइड होते हुए भी हम इंडिया से हारे हैं, किस तरह देखते हैं इस शिकस्त को जो कल हुई है पाकिस्तान को? फैसल शिकस्त तो होती है जब आप खेलते हो, एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं या मुझे जो पता है कि इंडिया के जो लड़के हैं वो सारे, कोई भी उनमें से T20 या वनडे इंडिया के लिए नहीं खेला, और हमारे मेरे ख्याल में 5-6 लड़के जो हैं वो खेले हुए पाकिस्तान से डेब्यू कर चुके हैं। सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब मुझे पता चला कि मैच हारे हैं इस तरीके से, और आई मीन के हार जीत हो जाती है, लेकिन फिक्र की भी बात होनी चाहिए ये, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो बड़ों की जो पेरेंट्स की एक अगर बेस्ट कोई इन्वेस्टमेंट है वो औलाद होती है, और आप चाहे हमेशा आपकी कोशिश होती है कि औलाद अच्छी हो, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, वही आपकी सारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान टीम के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं Under-14, Under-16, Under-19 लेवल पे, ये हम सबकी एक प्रॉपर्टी है हम इस मुल्क की। तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, जितना क्योंकि हमारे हर नए चेयरमैन के साथ नए प्लान्स आते हैं, नए उनके कायदे कानून आते हैं, तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए, और एक सिस्टम को रन करने के लिए आपके पास जो बेस्ट दिमाग होते हैं वो सारे वो क्रिकेटर्स होते हैं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी खेली भी होती है क्रिकेट, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को पाँव पे खड़ा करने के लिए। और चेयरमैन बदलते रहें, पहली भी बात हुई है, चेयरमैन आते रहें जाते रहें, सिस्टम आपका जो है वो चलता रहे, और मेरे ख्याल में उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये लड़के ठीक है, एक मैच हार गए, लेकिन जो इमर्जिंग
जो एशिया कप है अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, अच्छा करके है, यही लड़के हैं, यही सबसे बेस्ट लड़के हैं आपके पाकिस्तान के सर्कल के अंदर, और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कल सेमीफाइनल श्रीलंका से पाकिस्तान कम बैक करे और ये मैच जीते। लेकिन शायद भाई आपको एक चीज लगती है कि ये होना चाहिए था कि आप इमर्जिंग एशिया कप में आपके जो प्लेयर्स ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं उनको ना यूज़ करते, आप अब मज़ीद बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको भेजते, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो हारते भी तो वो फियर फैक्टर नहीं होता, वो खुल के खेलते और आपको आने वाले प्लेयर्स का नहीं ये इस तरह माइंडसेट, इस माइंडसेट के साथ नहीं चीजें चलती। आप जहरी बात है अगर वो प्लेयर नहीं जाते और वो बाहर बैठे हुए होते फिर आप लोग हम लोग बैठे के बात करते कि यार वो डेब्यू किया हुआ था, उसे पाकिस्तान खिलाया था, एटलीस्ट उसे 8 ओवर कराना चाहिए था, तो ये बात की बातें हैं। हार जीत होती रहती है लेकिन इन्हीं प्लेयर्स का हक बनता है जिन्होंने एक एक दो दो मैचेस खेले हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इन्हीं प्लेयरों को जाना चाहिए था। साथ में हम किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन फिर पता नहीं चल रहा होता, तो मेरे ख्याल में आपके पास थोड़ा सा वो हो जाएगा, ये होगा कि मैं अहमद शहजाद की ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ। तो अहमद शहजाद जैसे प्लेयर, वो अहमद शहजाद या अहमद शहजाद जैसे प्लेयर जो पहले पाकिस्तान से खेले हुए हैं लेकिन अब वो टीम से बुला दिए गए हैं या उनको उनके लिए रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। प्लेयरों को मौका देना चाहिए, सीनियर्स और यंग प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन के साथ आप टूर कराते हैं, लेके जाते हैं, उनको मौका देना चाहिए प्लेयरों को भी। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अच्छा करके आएंगे ये बच्चे जो गए हैं। पॉइंट टेकन शायद भाई, बिल्कुल सही बात है, और हमारा शुक्र है अल्लाह का कि फाइनली एशिया कप हो रहा है, स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया है, और पाकिस्तान के जो मैचेस है, पाकिस्तान इंडिया के स्पेशली जो मैचेस है, 4 मैचेस पाकिस्तान में होने के बाद वो श्रीलंका में होगा। लेकिन शायद भाई इसमें भी इंडिया ने कसर ना छोड़ी और स्केड्यूल का जो अनाउंसमेंट था वो आधा घंटा पहले जय शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जय शाह इज द चेयरमैन ऑफ ACC, ही इज चेयरमैन ऑफ ACC एज वेल, यस। हां या इट्स फाइन, अगर वो चेयरमैन है, अगर वो अनाउंस करता है तो ठीक है, चेयरमैन के डिसीजंस होते हैं, उन्होंने अनाउंस अगर आधे घंटे पहले कर लिया क्या हुआ, शुक्र है हो रहा है एशिया कप। बिल्कुल सही है, बिकॉज हम शायद भाई ये सोच रहे थे ना कि हम मेज़बान हैं इस टूर्नामेंट के, और इसमें वैसे ही इतनी डिबेट हो चुकी थी बिकॉज पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैचेस हो रहे हैं, तो शायद हमारे सेंटिमेंट्स ठीक है। शायद भाई पॉइंट टेकन, ऑल राइट। सो सॉरी शायद भाई ये आपका पॉइंट नहीं आया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्केड्यूल के अनाउंसमेंट के हवाले से हम एज मेज़बान ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद उसका अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आपकी बात सही है क्योंकि जय शाह जो है वो ACC के चेयरमैन भी हैं, सो ही अनाउंसड हाफ एन आवर। मेरे ख्याल में फैसल कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो हुई होगी ना हमारे चेयरमैन के साथ, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, लेकिन एज अ चेयरमैन अगर उसने अनाउंस कर दिया, शुक्र है हो रहा है एशिया कप, पहले तो हो भी नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।